आत्मिक होता हूँ, संकोच नहीं है मुझे, मैं स्वाभिमान के साथ कहता हूँ। ऐसा गन पॉइंट में ताम्रध्वज जी बोलेंगे, इसको लिख तो लिखेंगे, मैं सट्टे को संरक्षण देता हूँ, मेरा नाम गृह मंत्री है, सट्टा खेलो। कोई स्वाभिमानी आदमी के लायक रहने की जगह है? बहन जी, किसी पेपर में महादेव एक सट्टे का विज्ञापन नहीं आता, पूरी तरह छूट और गारंटी की आपके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी। अब मुझे संकोच होता है गृह मंत्री कहने में। एक काम बताइए, यदि कार्यवाही हो जाएगी तो हम राजनीति छोड़ देंगे। छत्तीसगढ़ के गरीब चाहे भाड़ को, चलिए आप बात कर लीजिए फिर बोलता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक अभियान का आह्वान किया, वो प्रदेश स्तर और राष्ट्र स्तर में कांग्रेस मुक्त होता होगा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भगाओ या देश बचाओ होता होगा। मैं तो ये सब कहने नहीं आया, मैं तो एक लाइन कहने आया हूं, ताम्रध्वज भगाओ, दुर्ग ग्रामीण बचाओ, इस जिले को बचाओ। क्या हो रहा है यहां? कोई स्वाभिमानी आदमी के लायक रहने की जगह है? हिंदुस्तान में कहीं पर किसी पेपर में महादेव एक सट्टे का विज्ञापन नहीं आता, वो विज्ञापन आएगा वहां से जहां मुख्यमंत्री रहते हैं और जहां गृह मंत्री रहते हैं। अब मुझे संकोच होता है गृह मंत्री कहने में। दुनिया में आप और कहीं जाएंगे तो मुख्यमंत्री जी के इलाके में ऐसा आप नहीं देख सकते कि महादेव एप चलता है, और महादेव एप भूपेश बघेल जी के द्वारा संरक्षित, ताम्रध्वज साहू जी के द्वारा पोषित पल्लवित एक स्टार्टअप है। छत्तीसगढ़ के नौजवान, नौकरी तो मिलेगी नहीं, आरक्षण तो मिलेगा नहीं, क्या करेंगे? मैं सट्टे को संरक्षण देता हूं, मेरा नाम गृह मंत्री है, सट्टा खेलो। मैं गृह मंत्री हूं, अवैध शराब बिकवाता हूं, संकोच नहीं है मुझे, मैं स्वाभिमान के साथ कहता हूं, ये दुर्ग जिले की पहचान मैंने बनाई है अवैध शराब में, आप पीजिए, ये मेरा कृत्य है, ये मेरा कुकृत्य है, ये मेरी पहचान है। रेती चोरी करिए, बस कोई पीठ पास की जरूरत नहीं है, कोई टेंडर की जरूरत नहीं है, आपको एक प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, या तो उसका पीए लिख के दे दे या जिला कांग्रेस का अध्यक्ष कह दे कि यह कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो सर्टिफिकेट कॉपी है। मुरम चोरी कर सकते हैं आप, रेत चोरी कर सकते हैं, नकली दवाई बेच सकते हैं, नशा बेच सकते हैं, दारू बेच सकते हैं, इंजेक्शन बेच सकते हैं, चरस बेच सकते हैं, गांजा बेच सकते हैं, बस एक कांग्रेसी होने का सर्टिफिकेट उसके कार्यालय से या उनके द्वारा ले लीजिए। बड़े खुश हुए थे आप लोग, भिलाई नगर निगम बन गया क्या? रिसाली नगर निगम बन गया बहन जी, भिलाई नगर निगम है कि रिसाली है? रिसाली में। हाँ, मैं भूल रहा था, तो आप बात कर रहे थे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, चलिए आप बात कर लीजिए फिर बोलता हूं। रिसाली नगर निगम बनने को लेके आप भ्रम में मत रहिएगा सर कि कोई विकास काम होगा, कोई सड़क बिजली पानी बनेगी, इस भ्रम को दूर कर लीजिए यदि भ्रम है तो। वो भिलाई नगर निगम में वो आदमी बिठाया गया है जो प्राक्सी है, महापौर नहीं है, प्राक्सी है। ऐसा गन पॉइंट में ताम्रध्वज जी बोलेंगे, इसको लिख तो लिखेंगे। जांच पड़ताल नहीं, ऑडिट नहीं, गोठान होगा, बाउंड्री वाल होगा, ये होगा वो होगा, क्या टेंडर, क्या रेट, क्या कुछ नहीं, उसके लिए भी आपको एक प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, या तो ताम्रध्वज जी के कार्यालय से आप ले लीजिए कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, या उनसे प्रमाण जिला कांग्रेस अध्यक्ष से ले लीजिए कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, निर्माण कार्य को लूटने की, करप्शन की, भ्रष्टाचार की पूरी तरह छूट और गारंटी की आपके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी। आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर
तीन सड़क बनवाइए, चार सड़क। मैं हमेशा बोलता हूं, विधानसभा में भी बोलता हूं कि शेर था सूर्य के बाद यदि कोई पैदा हुआ सड़क बनाने वाला तो ताम्रध्वज साहू पैदा हो गए। उतई से पाटन की फोर लेन सड़क, भिलाई की सड़क भी उसमें शामिल है, उसके बीच का खर्चा आप निकाल लीजिए। एसओआर में, टेंडर में, किसी में भी वो कितना है, कितना उखाड़ा गया, कितना नहीं हुआ देख लीजिए। अभी अंडा तक की सड़क, अंजोरा तक की सड़क है, ये माता जी बैठी हैं चौक में, मिनी माता जी है शायद, वहां से अंजोरा तक की सड़क। उनका निर्वाचन क्षेत्र है बेमेतरा था, वहां से ठेकेदार लाया गया है, ठेकेदार भी प्राक्सी है, कांग्रेस का है। आप शिकायत करके देखिए, यदि कार्रवाई हो जाएगी तो हम राजनीति छोड़ देंगे। इसलिए कि लूट एक संगठित धंधा है कांग्रेस का। सड़क निर्माण के नाम में यदि लूट रहे हैं, यदि सत्ता खिलवा रहे हैं, यदि नशा को संरक्षण दे रहे हैं, यदि भूमाफिया को संरक्षण दे रहे हैं, तो यह सब लूटने का एक धंधा है। यदि छत्तीसगढ़ में सत्ता को यदि संरक्षण दे रहे हैं, सड़क यदि बनवा रहे हैं तो जन सुविधा के लिए नहीं बनवा रहे हैं। अभी 3 साल का समय आज लिख लीजिए, यदि अंडा सड़क बन जाएगी तो मुझे बताइएगा। अभी 1 साल में खंभा हटवा ले चुनाव तक, वो बाकी बात को तो छोड़ दें। लूटने के लिए रोज स्पेसिफिकेशन बदल रहा, रोज अभी बनते तक नहीं मालूम उसकी लागत कितनी बढ़ेगी। दूसरा चोरी अभी शुरू हो गया है नया मॉडल, 2 दिन से आप पेपर पढ़ रहे होंगे, प्रत्येक बोरी से 2-2, 3-3 किलो निकालते हैं, ज्यादा नहीं निकालते, उतना जायज है। यदि कांग्रेस से निकाल रहे हैं तो उतना जायज है, और उनको भूपेश बघेल जी का संरक्षण है, और गृह मंत्री होने के नाते आपके परम सम्मान्य विधायक का संरक्षण है। मैं लिखा दुर्ग जिले में चोरी हुई, चोरों ने आरोप लगा दिया पुलिस के ऊपर। मैंने लिखा कि यह हमारे लिए इज्जत का सवाल है माननीय मुख्यमंत्री जी, गर्व का विषय है कि उन्होंने गृह मंत्री के ऊपर चोरी का आरोप नहीं लगाया, ये कलंक से हम बच गए, तो चोरों को धन्यवाद दीजिए। अनाज लूटे जा रहे हैं, एक काम बताइए, इस पूरे दुर्ग जिले में, इस पूरे भिलाई जिले में, इस पूरे संभाग में, दुर्ग संभाग में, जिसको माइल स्टोर हम कह सके कि भूपेश सरकार की ये देन है, ये कह सके और ये बता सके कि भ्रष्टाचार से विहीन है, यदि राजनांदगांव का इस संभाग में मेडिकल कॉलेज बना, यदि कवर्धा का पहला फिशरी कॉलेज बना, यदि IIIT यहां का विधायक IIIT मुझे अंग्रेजी में लिख के बता देगा तो मान जाऊंगा, पूरा नाम ले देगा, तो 500 बेड का प्रदेश का सबसे बड़ा जिला अस्पताल दुर्ग अस्पताल है। उतना पैसा यदि लगाया जाता तो भव्य मेडिकल कॉलेज बनता, लेकिन समझ गया ना, एक महिला डिप्टी कलेक्टर है, एडिशनल कलेक्टर है, वो मूल्यांकन कर रही है। जब हम लोग थे मुझे नेतृत्व करने का अवसर मिला है प्रधानमंत्री आवास को, नेताम जी बैठे वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, मुझे नेतृत्व करने का अवसर, उनको भी नेतृत्व करने का अवसर मिला। छत्तीसगढ़ प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर होती थी, आज नीचे से भी गिने तो छत्तीसगढ़ दिखता नहीं कि प्रधानमंत्री आवास में या प्रधानमंत्री सड़क में कहीं पे भी छत्तीसगढ़ का स्थान होगा। क्यों? छत्तीसगढ़ के गरीब जाए भाड़ में, ये योजना इसलिए संचालित नहीं होगी कि उसके सामने प्रधानमंत्री नाम लिखा है। इतना संकीर्ण दिमाग का मुख्यमंत्री कहां से पैदा हुआ? दुर्ग जिले से।
पर्यटन मंत्री राम राम राम। क्या है पर्यटन में दो ग्रामीण में लोग में कहीं कुछ एकाध कुछ देखने को मिला क्या? अभी भारत सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं कि राम वनगमन पद बनाना है। मैं बोला राम की आप प्रतिमा बना दो, उससे नहीं होता। राम राज्य क्या होता है ये पढ़ लो। समय में पानी गिरता था, लोग प्रेम से रहते थे, घर में ताला नहीं लगाते। उत्तरकांड पढ़ लो, बोला भाई रामचरित मानस का, किसी से किसी का बैर नहीं। अरे उस चरित्र को तो जीने की कोशिश करो, मूर्ति से काम नहीं चलता। तो ये छत्तीसगढ़ महतारी को क्या दे रहे? जुआ सट्टा, ये पर्यटन है। देश भर के जुआरी आ जाओ, देश भर के सटोरिए आ जाओ। पर्यटन का एक नई पर्यटन की एक नई परिभाषा, सांस्कृतिक पर्यटन होता था साहब। और ये है हमारा छत्तीसगढ़। ये पर्यटन आपने सुना है कहीं दुनिया में? लास वेगास बने गए, दुनिया का जो सबसे बड़ा जुआ सट्टा का अड्डा है ना लास वेगास। और माफिया कैसे? मेक्सिको एक सिटी, मेक्सिको सिटी में सरकार और माफियाओं के बीच में समझौता है कि हमारे काम में तुम हस्तक्षेप मत करो, तुम्हारे काम में हम हस्तक्षेप मत नहीं करेंगे। तो ये सरकार भी यदि है तो माफियाओं के संरक्षण में है।